सबसे पहले मैं कढ़ाई में 6 चम्मच ऑयल लूँगा और उसको गर्म होने देंगे। उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा जीरा जो मैंने आपको दिखाया था, 3 हरी इलायची और थोड़ा सा तेज़पात की पत्ते। अब मैं इसको थोड़ा सा चढ़ा लूँगा, कर लूँगा। अब मैं इसमें डालूँगा अनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने पहले ही रेडी करके रख दिए थे, थोड़ा चलाऊँगा। अब मैं इसी के साथ इसमें ऐड कर दूँगा लाल मिर्च, धनिया, धनिया पाउडर और हल्दी, और इसको थोड़ा सा स्टेयर कर दूँगा। अब तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता। अब मैं इसको तब तक चलाऊँगा जब तक अनियन पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से कुक नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, अब ये देखिए हमारा अनियन गार्लिक पेस्ट अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगा टोमेटो प्यूरी जो मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। अब मैं इसको स्टेयर करूँगा और मिक्सअप करूँगा दोनों को, और इन दोनों को भी अच्छे से पका लूँगा, अच्छे से इनको कुक कर लूँगा। सबसे पहले हम छोलों को कुकर में डालकर 6 सीटी लगाएंगे। मैंने सेम वही पानी लिया है जो जिसमें मैंने छोले रात को भिगोए थे। अब मैं 1 चम्मच नमक डालूँगा, उसके बाद चाय की पत्ती जो कि मैंने पोटली बना ली है उसके अंदर डाल दूँगा मिक्सी। और ये चाय की पत्ती की जो पोटली है इसे थोड़ा टाइट बांध लें, ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आप टी बैग का भी यूज़ कर सकते हैं इन रिप्लेस ऑफ चाय की पोटली। मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देता हूँ क्योंकि छोले अच्छे से उसमें डूब जाने चाहिए पानी में। कुकर का ढक्कन बंद करके हमें इसमें 4 सीटी दूंगा। जब तक छोले उबलते हैं जब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं। मैं गैस चला देता हूँ, इसमें मैं 6 सीटी लूँगा। अपने मसाले बहुत अच्छे से कुक करेंगे बिकॉज ऑल हैज डिपेंड अपॉन इट। अब मैं इसमें नमक डाल देता हूँ, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग योर टेस्ट। फ्रेंड्स, अब हम देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से कुक हो गया, रेडी हो गया, और दूसरी साइड हमारे छोले भी उबल कर रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें से जो मैंने चाय की पोटली डाली थी उसको निकाल लेता हूँ, और ये देखिए हमारे छोले अच्छे से उबल गए हैं। और अब मैं इनको अच्छे से मैश कर लेता हूँ विद द सेम वाटर। मैं छोलों को मसाले में ऐड कर देता हूँ और इनको, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ मसाले में। आप चाहें तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए, लेकिन मैं इनको ऐसे ही रहने दूँगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे छोले, अपने छोले मसाले, और अब मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कुक होने देंगे 5 से 6 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे छोले कुक हो चुके हैं, बॉयल भी अच्छे से आ रहा है। और अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कोरिएंडर और अपना गैस फ्लेम को लो कर देता हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको दूंगा एक फाइनल टच। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ 1 चम्मच मक्खन। आप देसी घी, इससे क्या होगा कि जो हमने इसमें इतने सारे मसाले ऐड किए हैं वो इनको इसको बैलेंस कर देगा और इससे अपने छोलों का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारे छोले कुक हो चुके हैं और अब हम सर्व करने के लिए रेडी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम सर्व करने के लिए रेडी हैं, हमारे छोले तैयार हो चुके हैं। सो जितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है आपको उससे अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर लग रहा है, कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा हो, उससे भी बहुत अच्छा हो।